अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत हो, आफियत से होंगे। तो भैया, भारती पाकिस्तान से कितनी नफरत करते हैं इसका सबूत मिल गया। भारती ने अपने मुल्क में PSL के मैच लाइव दिखाने से भी पाबंदी लगा दी। उन्होंने भारती से ये हक भी छीन लिया कि वो पाकिस्तान के मैचेस नहीं देखेंगे और लुत्फ अंदोज नहीं होंगे भारती मैच से। तो भैया, तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पुलवामा के वाक़े के बाद भारत में PSL के मैचेस दिखाने के पर पाबंदी लगा दी, और भारत से ये हकूक छीन लिए कि वो क्रिकेट को एंजॉय ना करे, PSL को मैचेस को ना देखे जी। और अगर देखा जाए तो किक बुजर भारत की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, और उन्होंने लाइव टेलीकास्ट करते थे सारे आम मैचेस भी, डोमेस्टिक के मैच भी देखा जाए तो वो लाइव कास्ट करते थे, लेकिन उन्होंने अपने पाकिस्तान के PSL के मैचेस को लाइव कास्ट करने से मना कर दिया। भारतीय कंपनी ING रिलाइज जो पाकिस्तान की प्रोडक्शन कर रही थी PSL की, उन्होंने भी पाकिस्तान की प्रोडक्शन करने से इनकार कर दिया। भारतीय जहर उगल रहे हैं पाकिस्तानी PSL से और जेलस हो रहे हैं कि पाकिस्तानी PSL कैसे फेमस हो रही है, इसलिए पाकिस्तान ने भी उनको जेलस करने के लिए एक और कंपनी के साथ रब्ता कर लिया, और उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ जल्द ही रबते में है, और पाकिस्तान के साथ रब्ता करने के बाद वो पाकिस्तानी PSL की प्रोडक्शन करेगी। तो भैया, अब देखें भारतीय हमारे खिलाफ कितना जहर उगलता है। सियासत के मैदानों में देखा ही होगा आपने और किस तरह जहर उगलता है, और अब खेलों के मैदान में भी आ गए, और भारतीय फैन से पाकिस्तानी PSL देखने के हकूक तमाम छीन लिए। तो भैया, आप भी हमसे अहद करिए, अपने आप से अहद कर लीजिए कि भारत की कोई भी एप्लीकेशन आप नहीं यूज़ करोगे जिसके मदद से आप स्कोर या लाइव टेलीकास्ट किसी भी मैच की आप देख सकते हो। तो भैया, अहद कीजिए, वादा कीजिए, कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जो भारतीय जिसको फ़ायदा मिले, लेकिन भारत हमारे साथ खिलाफ़ जहर उगलता है तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। हम उनके साथ दुगनी नफरत उनको दिखाएंगे कि हम भी नफरत कर सकते हैं। तो भैया, ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।